जय हिंद भाई सभी को। स्पेशली आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं बिहार पुलिस पे, जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को, क्योंकि आपके जो बिहार पुलिस की वैकेंसी है 21,351 पद पर। बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आए थे कि सर बिहार पुलिस का सेपरेट बैच चल रहा है क्या। अभी हम आने वाली 1 तारीख से बिहार पुलिस का सेपरेट बैच चलाएंगे अकेडमी में, और ये बच्चे काफी दिन से अकेडमी में रह रहे हैं, ये सभी बिहार के ही है। स्पेशली और भी है कई जो नए अभी बच्चे हैं उनको नहीं है, सब लगभग सब इनमें से एक को छोड़कर बाकी 6 महीने से लगभग ज्यादा रह लिए हैं, इसलिए इनको बुलाया था कि रिव्यू बता सके अकेडमी में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है उसके बारे में। फिर मैं आपको बिहार पुलिस की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितना नंबर का कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा आपका पेपर होने वाला है, कब पेपर होने वाला, पूरी की पूरी जानकारी। ठीक है, पकड़ लीजिए। प्रभु क्या नाम है? सोनू कुमार। कितने दिन हो गए, पूरा बता दे एक बार भी। 1 साल 3-4 दिन हो गया। कैसी पढ़ाई होती है सर? पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छा होती है सर। यहाँ पे हम सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई के लिए आए थे, आज हमको वहाँ वो यहाँ ये सब मिल रहा है। बढ़िया से? हाँ पक्का? हाँ लग रहा है नौकरी लग जाओगे? मेहनत कर रहे हैं, देखिए क्या होता है सर। मेहनत कर रहे हैं, अपना तो दबाके अपना तो मेहनत ही करेंगे। हाँ मेहनत ही करना है, आप मेहनत करोगे बाकी फल मिलेगा। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, मिल ही जाएगा। कितने 1 साल हो गया लगभग है, और अब करेंगे बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और SSGD तीनों की तैयारी। तो पहले है बिहार पुलिस की, आगे प्रभु कुल बताओ अपने बारे में, बताओ पहले कहाँ से हो, क्या है? मेरा नाम रमन कुमार है, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला से। हाँ कितने दिन हो गए रमन कुमार? 1 साल 3 दिन हो गए। साथ में आए थे क्या? 2-3 दिन इधर। अच्छा 1 साल, कैसा कैसी होती है पढ़ाई? बताओ। पढ़ाई यहाँ का बहुत अच्छा होता है, खासकर यहाँ का जीके मैथ रीजनिंग जो भी है बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। 1 साल होने वाला है? 1 साल प्लस हो गया मेरा। 1 साल। कैसी अपनी रेसिडेंसी, रहना खाना? रहना खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का, रहना खाना भी सभी चीज अच्छा है यहाँ का। पक्का? पक्का। ऐसे तो नहीं यहाँ खड़ा खड़ा बोल रहा है, बिहार से बेटा जो आ जाएगा लड़का फिर देर में बोलेगा कि तुमने बोला था रहना खाना अच्छा होगा, तब आ रहे हैं। सुने सर, वीडियो में ये लोग तो देखता ही होगा, मतलब रहन सहन कैसा है, खाना कैसा है। कैसा नहीं, मान ले कोई आ जाएगा वीडियो देखे और आगे तेरे को पकड़ेगा तुमने बोला था ना भाई रहना खाना अच्छा, कहाँ अच्छा फिर? नहीं भाई बहुत अच्छा रहना खाना सभी चीज सही है। क्या होता है 2-3 दिन 4 दिन घर पर जाते हैं, यहाँ के माहौल में 3-4-5 दिन डलने में टाइम रहेगा। जो लड़का मतलब पढ़ाई का मकसद से आएगा तो उसका फिर ठीक रहेगा, जो मतलब प्रेशर से आया, गार्जियन प्रेशर से आएगा फिर तो उसको लिए दिक्कत है। हाँ ये बिल्कुल लाभ रुपये की बात बोलती, इसने बोला कि ये मतलब ये सोचा हाँ मेरे को फंसा देगा, इसलिए इसने सही बात बोलती कि जो पढ़ाई के मकसद से आएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो गार्जियन के प्रेशर से आएगा उसको तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि सुबह 4 बजे से इनकी रूटीन शुरू होती है, रात 10:30 बजे तक है और पूरे दिन पढ़ाई है। अभी एक बच्चा आया था मेरे को बोल रहा है कि सर पूरे दिन पढ़ाई, यहाँ कोई दूसरी बात ही नहीं करता। हाँ बोला दोपहर में भी बोला पढ़ाई, बोला खाना खा के पढ़ाई, मतलब ऐसे तो पागल हो जाएंगे। बोला अरे भाई तुमको घर से कुछ आता भी तो नहीं है ना, इसलिए तुमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करानी पड़ रही है। आ जाओ प्रभु। मेरा नाम आदित्य आदि है, मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। कितने दिन हो गए? 8 महीने प्लस, 8.5 महीना। 8.5 महीना। और उनमें से एक ही रनिंग हुई है सत्यम की, और उसकी रनिंग भी उसकी फोटो आज डालूंगा मैं मेरे फोन में तो आ गई है। और आज भी हमारे आर्मी के 3 लड़के पास किए हैं, बिहार के कौन कौन से जो पास है उनके नाम बता देंगे। एक सत्यम है, राजू है, और एक रोहन है, आदित्य आदि मैं हूँ। अच्छा तो फिर एक सत्यम है, एक रोहन है, एक आदित्य है, और एक राजू है, और एक लड़की में रोशनी है, रोशनी और तो और न्यू लड़का, और एक राधे भैया, राधे भैया, राधे हाँ, एक सौरभ, और एक सौरभ, हाँ सौरभ, 7 आदमी दिए थे, 7 के 7 पास हो गए थे, दो और लड़के, और मध्य प्रदेश से थे 11 11 लड़के, उनमें देखो एक फेल हुआ था। आओ पर अच्छा ये जी ये बिहार में कोई चीज ज्यादा बोलता है ना, ये बादल है। क्या नाम है? बादल कुमार। बादल कुमार कहाँ से? बेगूसराय से। बेगूसराय में
बेगूसराय तो जिला है, जिला जिला में गांव भी तो होगा। हाँ तो कौन से जिले के अंदर रह रहा है? बलिया डनारी प्रखंड, उसके बाद बच्चों। कितने दिन हो गए बाद? 8 महीने। 8 महीने हो गए। और अब किसकी तैयारी करेगा? दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, डीडी मिक्स। मिक्स करेगा मतलब? यस। नहीं तो बिहार पुलिस में तुम्हारे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाती है। मैंने सुना है कि इसकी ज्यादा मेरिट ऊपर नहीं जाती दिल्ली पुलिस की तरह। फिजिकल मतलब हाँ, इसमें लिखा हुआ भी है कि मेन जो अभी पेपर में से जो नंबर आएंगे वो फिजिकल पास करने के लिए, मतलब फिजिकल में जाने के लिए, बाद में फिजिकल के भी नंबर इसमें बहुत ज्यादा बताने वाला हूं इसी वीडियो में। अच्छा आज अपन को क्या नाम है? अंकित कुमार। कहाँ से? बिहार से हो? बक्सर जिला से। कितने दिन हो गए हैं? एक महीने के आसपास। एक महीने के आसपास हो गया है। कैसा बेटा यहाँ रहना खाना? बहुत बढ़िया सर। पढ़ाई? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हाँ स्पेशली सर हम एसएससी के और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए आए थे। और बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया हो रहा है? बहुत बढ़िया सर। पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं? पूरे दिन पढ़ाई। क्या नाम है? छोटू कुमार। कब आए थे? लखीसराय जिला से। कब आए थे? सर 20 दिन हो रहा है अभी। कैसे क्या मामला है भाई? पढ़ाई बहुत अच्छा है सर, खाना वाना भी सही मिल रहा है सर। पक्का? हमको कोई आ गया उधर से और छोटू राम पकड़ लेगा इधर से? नहीं, छोटू राम तुमने बोला था फिर? पक्का सच सच बोलना, झूठ बोलेगा तो फंस जाएगा। सही है सर, बहुत अच्छा सर। पढ़ाई होता है? पढ़ाई बहुत मस्त है। जो लड़का आएगा उसका रिजल्ट यहाँ होकर जाएगा सर। नहीं भाई, हमारा आर्मी में टारगेट भी है। और ये जो सकले तुम देख रहे हो इनको, अभी जैसे आप में से कई लोग ये भी बोल रहे होंगे कि इनको सर 8-8 महीने 9-9 महीने हो गए, लेकिन कारण ये है कि 8-9 महीने में केवल इनको एक ही मौका मिला है, एक पेपर दिया है, केवल एक ही पेपर दिया है। और मैं ये बोलता हूँ तीन अटेम्प्ट जो बच्चा अकेडमी में रह के 3 अटेम्प्ट दे लेगा गारंटी है वो निकाल देगा नौकरी। एक चीज स्पेशली मैं आज और बोल दूं, बिहार के लोगों को नहीं पूरे हिंदुस्तान को बोल दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने अकेडमी को धंधा बना रखा है, ये बना रखा। पहले बात तो धंधा तो बना ही रखा है, नहीं तो घर कैसे चलेगा? ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ धंधा ही है भाई, लेकिन धंधे में अच्छा धंधा है, बुरा नहीं है। हम अच्छे तैयार करते हैं बच्चों को, लेकिन मैं ये बोलता हूँ अकेडमी में मेरे पास में इंटेलिजेंट नहीं आते हैं। ये वो लोग है जो बिल्कुल जीरो, मतलब जिनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो भी अगर मेरी अकेडमी में आता तो उसका भी बहुत कुछ कर देता हूँ मैं। ये बिल्कुल जीरो लेवल से आए हुए हैं। यस सर, जीरो लेवल से। रीजनिंग क्या होता था हम लोग जानबूझ करते थे। बोला हम लोग नहीं, इसको थोड़ा बहुत पता है इसलिए। हम लोग उतना नहीं पता। ये थोड़ा बहुत तैयार किया होगा पहले। हाँ, तुम कहीं नहीं किए थे? ना नहीं किए। और एक तुम में से कोई साइंस सब्जेक्ट वाला भी है? क्या क्या है? साइंस मैथ वाले सभी के? आर्ट्स में। अच्छा पीसी भी है। तो कहने है, मतलब जो बच्चा जीरो से जीरो लेवल, मैं ये बोलता हूँ कि बस उम्मीद उसकी इच्छा होनी चाहिए नौकरी लगने की, नहीं उसको कुछ भी ना आता हो उसको भी सिखा देंगे। इनको पहाड़े भी रटाए हमने, पहाड़े याद कराए हैं? पहाड़े मतलब ये वन वो दो एकम दो दो दुनी चार है? और इसको तो एक गाना भी याद कराया, वो गाना कौन सा सुना दे? ए जो पीली पीली लुगरी लव लेटर देगी, ए जो पीली पीली लुगरी लव लेटर देगी, चॉकलेट से छोरी मारे दिल लेगी, पीली पीली लुगरी लव लेटर देगी। पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीख गए यहाँ पर, मतलब और जब डांस वांस होता है तो ये भी सीखे। अब तो ये पहले बोलते तो बिहार वाला गाना लगाओ, अब नहीं बोलते तो राजस्थानी में ठुमका लगाते हैं सब। चलो मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी, बैठो बेटा आपको पूरी जानकारी बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, किस प्रकार से आपका पेपर होगा, पूरी जानकारी बता देते हैं। पहले तो आपको बता दूं 21,391 पोस्ट है, जो भी बच्चा आना चाहता है अकेडमी आ सकता है। 1 तारीख से नए बैच शुरू होंगे, ऑनलाइन भी बैच शुरू होंगे ऑफलाइन भी होंगे, लेकिन आप कोशिश करिए ऑफलाइन आए क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा इतना फायदा नहीं उठा पाओगे जितना आप ऑफलाइन में उठा सकते हैं। देखो बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग में जिला बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल अन्य कई पदों पर पुरुषों महिलाओं के उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति
ऑनलाइन बिहार पुलिस के सिपाही वर्ग में, ये आपको पता चल गया होगा सभी को, लेवल 3 21,700 एसएससी जीडी में भी यही मिलता है, ध्यान रखना जो एसएससी जीडी का बेसिक पे वो भी 21,700 से 69,100 ये सेम है। पदों की संख्या है 21,391। देखो आवेदन प्रारंभ कब से हुए हैं, जो 20 तारीख यानी कल से फॉर्म आपके शुरू होंगे, कब तक भरे जाएंगे, 20 जुलाई 2023 तक भरे जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक आवेदन आप करना शुरू कर दे रहा, लेकिन एक दो दिन रुक के आराम से करना, ज्यादा जल्दीबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अब देखो इसमें पोस्ट है किसकी है, सामान्य वर्ग के लिए कितनी है 8,556, आर्थिक रूप से कमजोर 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग 2570 और पिछड़े वर्ग में महिलाओं के लिए 655, कुल मिला के हो गई आपकी 21,391 पोस्ट, यानी जो टोटल पोस्ट है वो इस प्रकार से डिवाइड होगी, ध्यान रखना। अब इसकी योग्यता 10th+2 या इसके लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट, ध्यान रखना। एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 25 जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज छूट भी इसमें मिलती है, ध्यान रखना इस बात का। फीस कितनी लगेगी 675 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ओएस के लिए, 180 किसके लिए लगेगी, एससी एसटी के लिए, जो फॉर्म में अप्लाई करोगे तब उसकी फीस है ये। अब देखो इसमें पाठ्यक्रम जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समक्ष, यानी कहने वाला 10वीं का लेवल रहेगा, 10वीं पास का जो लेवल आता है, जो एसएससी जीडी में आता है, सेम लेवल इसमें आएगा, ठीक है। 10वीं पास की क्या क्या रहेगा इसमें, हिंदी रहने वाला आपका, अंग्रेजी रहेगा, इनके लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। गणित रहेगा जो बेसिक गणित रहेगा 10th का, सामाजिक विज्ञान इसमें रहेगा, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ठीक है। विज्ञान का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, जनरल साइंस के मेरे ख्याल से 30 के आसपास क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस में, ध्यान रखना। शास्त्र प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक जो स्टैटिक जीके जिसको हम बोलते हैं वो भी इसमें आएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, समय कितना मिलेगा 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, इसमें 100% होंगे, कितने प्रश्न होंगे 100% होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय, यानी 100 क्वेश्चन में आपको कितना समय मिलेगा 120 मिनट मिलेंगे भाई, तो यानी बहुत अच्छा समय मिल जाएगा आपको, समय की किसी को प्रॉब्लम, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने होंगे कम से कम, यानी अगर आप मान लो लिखित परीक्षा में 30% से भी अंक कम प्राप्त करते हो तो आपको फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाएंगे, कम से कम 30% अंक तो लाने ही पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब लिखित परीक्षा के आधार पर ही फाइनल मेरिट नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल फिजिकल पास करने तक ही काम आएगी, उसके बाद में फिजिकल के नंबर भी इसमें जुड़ते हैं। अब देखो लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता मापदंड के लिए होगी, क्वालिफिकेशन के लिए है लिखित परीक्षा, यानी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद मेन अंक किसके जुड़ेंगे, फिजिकल के। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है, अगर सफल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो फेल ही हो गया। फिर शारीरिक दक्षता योग्यता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड, मापदंड में कोई भी छूट अनुमान्य नहीं होगी। सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 सवार दो यथा दौड़ ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी के प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी जो फाइनल मेरिट है ना वो किससे बनेगी, फिजिकल से बनेगी, और फिजिकल में क्या होगा, दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी और एक गोला फेंक होता है जो आपने देखा होगा, वो वजन के साथ गोला फेंक 25 मीटर या जितना भी आप उसके लिमिटेड रहती है, अभी आगे आगे बताएंगे वो कितनी कितनी उसके लिए नंबर मिलेंगे, यानी मेन जो मेरिट बनेगी किससे बनेगी, फिजिकल फिटनेस है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेपर पास करना पड़ेगा, अगर आप पेपर पास नहीं कर पाए तो फिर तो फिजिकल में कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा जिला पुलिस बिहार के ने मतलब आगे की ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब देखो अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड,
ऊंचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं होगा, मतलब आपकी ऊंचाई कितनी है सीना कितना है इसके लिए कोई वजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी पास करने के लिए उतने तो चाहिए ही चाहिए, इसके अंक नहीं मिलेंगे। ऊंचाई अनारक्षित यानी सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम कितनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, कितनी चाहिए 165 यानी 170 नहीं चाहिए, ध्यान रखना 165 सेंटीमीटर ही चाहिए। अगर आपकी हाइट कम है घबराने की जरूरत नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट कितनी चाहिए 160 सेंटीमीटर ही, बहुत कम 160। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, जितनी भी चाहे कोई सी वर्ग जनरल की ओबीसी एससी एसटी किसी की भी कितनी चाहिए महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। अब देखो सीना, ये सीना केवल किसका माप होगा पुरुषों का यानी सिर्फ लड़कों के लिए। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम बिना फुलाए कितना चाहिए 81 और फुलाने के बाद में 86 यानी 86 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए तभी आप पास होंगे, लेकिन इसके कोई अंक नहीं मिलेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए भी सेम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 79 से 84, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके चेस्ट में होना ही चाहिए, और ध्यान रखना इसके कोई अंक नहीं मिलेंगे, ये केवल पासिंग के लिए कि पास करने के लिए इतना आपका पास में क्राइटेरिया होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना माप नहीं होगा। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए 48 केजी होना चाहिए। अब देखो द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता, यहां से अंक मिलना शुरू होंगे। सबसे पहले आती है दौड़, और शारीरिक योग्यता कुल कितने की होगी 100 नंबर का, जो आपका फिजिकल होगा 100 नंबर का, उसमें दौड़ में अगर आप 5 मिनट से कम समय लाते हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे 50। दौड़ है 1600 मीटर की, कितने मीटर की 1600 मीटर, अगर आप 5 मिनट से कम में करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे, 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 20 से 5 मिनट 40 तक करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे, और 6 मिनट तक करते हैं तो कितने अंक मिलेंगे 20 अंक आपको मिलेंगे। यानी अगर आपकी दौड़ बहुत अच्छी है लाड लो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका काम हो जाना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है, कितने किलोमीटर की 1 किलोमीटर की, अगर 4 मिनट से कम समय में करती है तो कितने अंक मिलेंगे 50, अगर 4 मिनट से 4:20 तक करती है तो 40, 4:20 से 4:40 तक करती है तो 30, और 5 मिनट से पहले करती है तो 20। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा, ध्यान रखना अगर 5 मिनट से भी ज्यादा समय लेंगे। अब है गोला फेंक, अधिकतम 25 अंक का गोला फेंके, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, कितने फीट फेंकना होगा 16 फीट, अगर 16 फीट से 17 फीट फेंकते कितने अंक मिलेंगे लाडलो 9, अगर 17 से 18 फीट के बीच में फेंकता तो 13, अगर 19 फीट फेंकता तो 17, अगर 20 फीट फेंकता तो 21, और 20 फीट से भी ज्यादा अगर गोला फेंक देता है तो कितने अंक मिलेंगे 25 अंक मिलेंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल, यानी कम से कम कितना फेंकना है 16 फीट तो आपको फेंकना ही फेंकना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला, यानी उनको कितना फेंकना है 12 फीट, अगर जो 12 फीट फेंकेगी उसको 9, 13 फीट से 14 फीट के बीच में फेंकेगी 13, 15 तक फेंकेगी 17, और 16 तक फेंकेगी 21, और जो 16 फीट से भी ज्यादा कोई महिला गोला फेंक देगी तो उसको कितना अंक मिलेगा 25 अंक मिलेगा भाई। अब आती है ऊंची कूद, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंची कूद कितनी है 4 फीट, अगर कोई 4 फीट कूदता तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच कूदता तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच कूदता है तो 21 अंक, और 5 फीट कोई कूद जाता तो उसको 25 अंक। भाई पूरा का पूरा जो आपका मीटर करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा फिजिकल पे, यानी दबा के आपको बिहार पुलिस की फिजिकल की भी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी, तभी आप ये क्राइटेरिया में फिट बैठोगे, नहीं तो फिट मामला बैठेगा नहीं केवल पेपर से। तो इसमें अब महिलाओं को 4 फीट से कम फेंकने वाला फेल हो जाएगा घोषित किया, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट तो 13 है, 3 फीट 4 इंच 17, और 3 फीट 8 इंच अगर कोई महिला कूद जाती है तो 21, और अगर कोई 4 फीट कूद जाती है तो 25 अंक मिलेंगे भाई। ये इसका टोटल का टोटल आपको क्राइटेरिया बता दिया है,
अब जो भी बच्चा बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहता है वो अभी एकेडमी आ सकता है। 1 तारीख से नए बैच शुरू होंगे। ध्यान रखना इसमें फिजिकल भी आपको साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल के मापदंड बहुत हार्ड है, स्पेशली ऊंची कूद और दौड़। आर्मी से भी ऊपर हो गई है, तो आर्मी में भी एक्सीलेंट 5:20 वाला है, इसमें एक्सीलेंट 5 से कम है। इन्हें अगर आप 5 से कम में आते हैं तब 50 अंक कहने हैं, मतलब एक्सीलेंट वाले नंबर। आर्मी से भी हार्ड है इसमें। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा, केवल क्योंकि पेपर का तो इसमें कुछ महत्व रखा ही नहीं है, पेपर तो एक पासिंग है कि आपको उसमें 30% अंक कम से कम प्राप्त करने हैं भाई, और उसके बाद में फिर पूरा पूरा फोकस कहां करना है, फिजिकल। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।